हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो सीसी प्लस कंपनी का जो सीसीटीवी कैमरा है, उन कैमरों के जो डेट होते हैं और टाइम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सीसीटीवी के टाइम और डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, तब हम अपने सीसीटीवी कैमरा के जो डेट और टाइम सेट कैसे करें, इस टॉपिक्स पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सीसीटीवी कैमरा के जो मॉनिटर का जो स्क्रीन लॉक होता है, उस स्क्रीन लॉक को आपको अनलॉक करना है। करने के बाद फिर आपको माउस के राइट साइड के जो बटन है उस पर क्लिक करना है। करके आपको मेन मेनू पर क्लिक करना है। मेन मेनू पर क्लिक करने के बाद यह राइट साइड पे जो सेटिंग का जो ऑप्शन है, उस सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। फिर नीचे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। करने के बाद ऊपर जो राइट साइड में डेट एंड टाइम है उस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ आपका डेट और टाइम निकल आएगा। तो यहाँ आप अपने डेट और टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं डेट और टाइम सेट कर रहा हूँ। डेट, टाइम, मंथ, ईयर सब आप यहाँ एम पी एम सब सेट कर सकते हैं। करने के बाद यह राइट साइड पर जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर जो नीचे वाला जो सेव का ऑप्शन है उसमें भी क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करिएगा। करने के बाद बैक कीजिएगा, माउस के राइट साइड पर बैक कीजिएगा। करने के बाद देखिए टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो यही था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं।